व्हाट्सएप जो है डे बाय डे अपने नए नए फीचर लॉन्च करते जा रहा है और पुराने फीचर्स को भी अपग्रेड करते जा रहा है। तो आज मैं आपको जो है ऐसे ही एक फीचर के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो उसने अपग्रेड कर दिया है, जिसे आपने देखा होगा कि जब आप अपने व्हाट्सएप से किसी के दूसरे व्हाट्सएप को जो है कोई पिक्स भेजते थे तो उसका जो रेजोल्यूशन फट जाता था। तो अब जो है व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छा जो है इसको अपग्रेड कर दिया है। अब आपके जो है फ़ोटो का रेजोल्यूशन फटेगा नहीं, वो एक अच्छी क्वालिटी में ही दूसरे के पास भी जाएगी। तो इन्होंने एक कमाल का अपग्रेड किया है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं और अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके जो है इसकी पूरी सेटिंग आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज नरेश ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल कुछ भी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है अपने मोबाइल के जो है व्हाट्सएप पे ले जाता हूँ और वहाँ आपको भी इसका पूरी सेटिंग जो है समझाता हूँ कि किस तरीके से जो आपने इसको सेट करना है। तो आप सबसे पहले जो है व्हाट्सएप खोल लीजिए और व्हाट्सएप पे जैसे ही आप खोलते हैं तो ये ऊपर जो है थ्री डॉट पे आपने जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक कर देना है। इसमें ऑप्शन आएगा सेटिंग्स, तो ये सेटिंग्स पे आपने जाना है और सेटिंग्स पे आपने आके जो है सबसे नीचे ये आपका स्टोरेज एंड डाटा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टोरेज एंड डाटा पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा फ़ोटो अपलोडेड क्वालिटी, तो फ़ोटो अपलोडेड क्वालिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन है, ऑटो रिकमेंडेड है, बेस्ट क्वालिटी और डाटा सेवर। तो ऑटो तो इन्होंने ऑलरेडी रिकमेंडेड किया है कि ऑटो पे आप भेज दीजिए, तो आप कैसी क्वालिटी जाएगी वो कह नहीं सकते, लेकिन बेस्ट क्वालिटी पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी हाई रेजोल्यूशन ही फ़ोटो जाएगी वहाँ पे। डाटा सेवर है कि बहुत ही लो रेजोल्यूशन की जाएगी, क्योंकि आपका डाटा सेव हो जाएगा लेकिन रेजोल्यूशन जो है उसका बहुत ख़राब जाएगा। तो आपने जब अच्छे जो हाई रेजोल्यूशन की करनी है तो आपने बेस्ट क्वालिटी को जो है सेलेक्ट कर देना है और ओके बटन को दबा देना है। तो ये जो है आपका जो है एज इट इज़ जो है आपकी जो है ये चली जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। आपने मान लीजिए किसी को भी भेजना है, चलिए मैं अपने को ही एक फॉरवर्ड करता हूँ। तो आपने यहाँ से अटैच कर देना है कोई भी फ़ोटो, गैलरी में जाना है और जैसे आपने मैंने ये फ़ोटो रखा है, मान लीजिए मुझे ये फ़ोटो भेजना है, तो ये एज़ इट इज़ रेजोल्यूशन में चली जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने ये भेज दिया है। वो फिर थोड़ा सा देखिए आपको ये डाटा आपका ज़्यादा यूज़ करेगा, लेकिन जो है इसका हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो जो है आपकी एज़ इट इज़ जो है वहाँ पे चली जाएगी। जिस रेजोल्यूशन में आपने यहाँ से भेजी है उसी रेजोल्यूशन में आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये इसकी सेटिंग थी, जो कि बहुत सिंपल सी सेटिंग है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपका ये जो बेस्ट क्वालिटी फ़ोटो जिस रेजोल्यूशन में आपने यहाँ से भेजा था उसी रेजोल्यूशन में वहाँ चला जाएगा। तो देखिए ये टिक हो चुका है, ये टिक हो चुका है और ये फ़ोटो चली गई आपकी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आप इस अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग को जो है एक्टिवेट कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप से जो किसी को भी आप अपनी कोई भी पिक्स भेजते हो तो वो फटेगी नहीं, उसका रेजोल्यूशन जो है सेम रहेगा और हाई रेजोल्यूशन में उनके पास जाएगी। तो ये था वो छोटा सा एक प्रोसेस और एक जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि किस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है हमें एक अच्छी इंस्पिरेशन मिले और हम जो है आपके लिए इसी तरह की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।